कड़कते हुए नोट गिन रहे हैं। जा रहे हैं बैलेंसियागा में कुछ 500। ये बढ़िया जूते हैं, ये वाले जूते $650 के। हाय गाइस, रोनवीर दिया, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज का वीडियो महंगे कपड़े, एक्सेसरीज, जूतों के बारे में होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मॉल, और मॉल ये ऐसा है जहाँ पर आपको एक्सपेंसिव सामान मिल जाता है। रोलेक्स, गुच्ची, बैलेंसियागा, जो भी आप बोलो इस मॉल में आपको मिल जाएगा। अभी राजा का कॉल आया था, वो मुझे बोल रहा था कि यार रोहन भाई, आप अगर फ्री हो तो चलो मेरे साथ, मुझे मॉल जाना है। मतलब मॉल क्यों जाना है, बोल रहा कि मैंने एक बर्बरी की बहुत महंगी एक्सपेंसिव शर्ट ली थी, बट जब मैंने ट्राई की तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो अभी मुझे रिटर्न करने जाना है। व्हाट्सअप, क्या हाल है? हाँ, चल रहा है। तेरा जहाज कैसा चल रहा है? जहाज की तरह चल रहा है भैया। बढ़िया, मजा आ रहा है चलाने में? यूज्ड टू हो गया यार अब तो, क्या मजा। एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो मेरी गाड़ी है होंडा एकॉर्ड स्पोर्ट्स SE स्पेशल एडिशन, स्पोर्ट्स बोलते हैं गाड़ी को, 2.4 उसका जो इंजन है, बट पता नहीं क्यों स्पोर्ट्स बोलते हैं। मतलब गाड़ी बेचने के उन लोग के अलग अलग तरीके हैं। टॉप मॉडल होती है, उसके बाद स्पोर्ट्स लगा देते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। गाड़ी की सेम ही रहता है, जो नॉर्मल गाड़ी की जो पिकअप है और जो स्पोर्ट्स गाड़ी की जो पिकअप है सेम ही है, मुझे कुछ फर्क नज़र नहीं आया। बट आज जो तेरी ये गाड़ी है अभी अभी इसने जो मतलब एक पिकअप ली है गाड़ी की, मतलब जैसे पिकअप लिया ना, ऐसा बेल्ट एकदम खिंच जाता है पीछे की तरफ ऐसा, और मतलब अभी मत कर, बेल्ट खिंच जाता है और समझ में आ जाता है कि गाड़ी भाई जहाज बन गई है। मत कर, अभी मत कर तेरे बहुत चर्बी है इसको। How are you doing? Good. Yeah. It's gonna be $12. Yeah, that's good. Thank you. Yeah. Thank you. Alright, yeah, have a good one. चलो भाई. Bye bye. चल. इतनी प्यारी शर्ट ली थी लेकिन आई नहीं, बहुत बड़ी है और मीडियम है यार। अब हम बीच में हैं, इतने थोड़े मोटे हो गए हैं, तो मीडियम फिट होती है, लेकिन बर्बरी में मीडियम बढ़िया है, स्मॉल फिट नहीं होती इसीलिए फिट बंदा करे, बंदा करे तो करे क्या। कभी भी देखो कपड़े खरीदो तो फिटिंग प्रॉपर चेक करो। ये देखो भाई कितने की है, 700। Rolex nahi, yeah, when I want is 38,000, I'm gonna buy it. भाई यहाँ तो अंदर घुसने के लिए भी लगाया हुआ इन्होंने। हाँ क्यों, एक बंदा लाइक दे हैव, ये तो अच्छी है। नहीं ये ऐसी वाली लेनी, बर्बरी में लेनी है तो फिर उन लोग का जो, हाँ ये नहीं यार मजा नहीं, नीड्स टू बी स्ट्रेट एंड लाइक मजा नहीं आ रहा है, सीधी ट्राई की नहीं। ये शर्ट भी अच्छी है ना, दिस इज टाइट, ये टाइट है यार, ये तो दिस इज टाइट, ये तो यहां से कितने टाइट है ऐसा का हाथ, दिस इज टाइट एंड मीडियम इज लूज। बढ़िया जूते हैं ये वाले जूते, $650 के, नॉट बैड। I have this, yo, this is, this was my favorite at one point. Can you put this one for me? भाई फाइनली ले रहे हैं बर्बरी हीरो,
कौन सा? बर्बरी ब्लश। तो अभी क्या है कि वो जो 700 की शर्ट ली थी भाई साहब ने, उसमें से $500 उसने दिए थे कैश और $200 दिए थे कार्ड से। अभी कार्ड उसके पास है नहीं, तो $500 जो उसने कैश वापस ले लिए और जो $200 पड़े थे उसके भाई साहब यहाँ से परफ्यूम खरीदते हुए जा रहे हैं। $100 के परफ्यूम्स हैं यहाँ। मोस्टली चीज़ें महंगी हैं बट जो परफ्यूम्स हैं वो सस्ते हैं। महंगा अभी दिखाते हैं महंगी किसी चीज़ कहते हैं। गूगल नेक्स्ट ऑर्डर। या शूज़ अलग अलग प्राइसेस में हैं, 500, 600, 650, 1000 तक जा रहा है डॉलर्स में। ये टी शर्ट मुझे अच्छी लगी है, ये है कुछ 500, कितने की है ये? $590। कड़कते हुए नोट गिन रहे हैं। कड़कते हुए नोट गिन रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो भाई यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं बैलेंसियागा में। और मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? लुई बिटॉन। गया यहाँ पर लुई बिटॉन में, देखते हैं क्या कर रहा है। चल आज मैं भी लेके जाता हूँ एक जूते। ये जूते ले ले, सर पे मारेंगे पापा जूते मेरे। ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। दिस इज गुड। ये वाले भी अच्छे हैं। रेड बॉटम्स। ये कितने के आ जाते हैं यहाँ पर? 1500-1600। अच्छे हैं, दिस आर गुड। ये कौन सा साइज है? ये तो फिटिंग है। हाँ कौन सा साइज? नो इट्स नॉट इवन दैट। इनका सबसे बड़ा पंगा है इनके शूज ऐसे नहीं जाते हैं। अच्छा, बस लंबे जाते हैं। ओह, तो वाइड भी तो चाहिए ना। हाँ तो वाइड भी तो करना है। या वी नीड। चलो भाई लुई विटॉन से निकल चुके हैं, कुछ नहीं मिला यहाँ पर जो चाहिए था। बट अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो बता दो भाई। बैलेंसियागा। बैलेंसियागा ज़ारा वालों के पास भी सेम पैटर्न है, सेम है ना। बैलेंसियागा में शूज़ एक अच्छे लगे थे बट अभी लिए नहीं है, लिए जाएंगे बाद में। पहले थोड़ा सा और R&D किया जाएगा और फिर बाद में। गुच्ची जो मेरे पास वो गुच्ची की कैप है भाई साहब को सेम चाहिए। देखते हैं यहाँ पर मिलती है कि नहीं मिलती। यार मुझे पता होता कि हम लोग सीधा मॉल आ रहे हैं और कार्टियर, रोलेक्स, गुच्ची और बैलेंसियागा स्टोर्स में घुस रहे हैं तो यार कपड़े वपड़े थोड़ा सा हुलिया तो सेट करके आता था। नहीं यार मैं यार चलो तो कैप ढूंढ रहा है कि शूज? ओह मुझे ये बहुत पसंद है यार। तेरे पास कौन से? नहीं मेरे मुझे ये ऐसा सॉफ्ट लेदर मुझे अच्छा लगता है ये। और दीज आर नाइस। नहीं यहाँ पर वो कैप जो चाहिए तुझे ना ये। तो फाइनली देख रहे हैं कि वो कैप मिलती है कि नहीं मिलती। हाँ ये सेम नहीं है, मेरे वाले में गुच्ची लिखा हुआ है। इट्स नॉट द सेम। आई मीन योर्स इज अ लिटिल डिफरेंट। मेरी माइन इज अ लिटिल बेटर एक्चुअली। ओह दीज आर नाइस। जो मैंने कैप ली है वो आई थिंक सो 350 की ली थी और मैंने फैक्ट्री आउटलेट से ली थी। ये जो कैप देखी है ये $500 की और वो स्टाइल भी नहीं था, सेम नहीं था। अभी ये भाई बोल रहा है मुझे कि उसको करना है जिम ज्वाइन और मेरे साथ ही जाना है जिम। बट भाई साहब कभी भी उठे छुटे कभी भी काम पे चले जाते हैं और बिजी रहता है। अभी मैं उसको बोल रहा हूँ जिस तरह से तू काम कर रहा है अगर तू डाइट मेंटेन करेगा तो तुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हफ्ते में 3 दिन भी जाएगा जिम तो भी तू मेंटेन रहेगा प्रॉपर तरीके से। मेरे भाई मुझे खाने का तो पता नहीं होता काम के टाइम पे। हाँ तो फिर तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू ईट प्रॉपर फूड एंड अच्छे से खाना पीना खाओ तो
75% आपकी डाइट डिपेंड करती है और बाकी का जिम विम वर्कआउट है, वो तो बहुत लोगों को पता ही रहेगा। तो अगर मेंटेन करनी है अच्छी बॉडी, डाइट इज अ गुड डाइट इज अ मस्ट। ओ भाई, आई शुड बी 500 पाउंड्स, केम डाउन टू 200, आई वांट टू गो अनदर 30 पाउंड्स लेस। या हो जाएगा, इट विल श्योरली। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बर्बरी के परफ्यूम्स लेते हुए, और बैलेंसियागा के शूज़ देखे, कितने के थे? $1,000 के, बट अभी वो नहीं ले रहे हैं हम लोग। मुझे तो चाहिए नहीं थे, इसको चाहिए थे, पता नहीं कब लेगा, लेगा। पर राजा ने ऑर्डर किया रोलेक्स, और वो टाइम है। रोलेक्स का क्या सीन है अभी यहाँ बताना? दो साल लग रहे हैं आने में यार। कितने की वॉच है? The one I picked, 19,000. 19,000 की वॉच, दो साल का वेट टाइम, ऐसा राजा बोल रहा है। मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कितना टाइम। Brand new Rolex, with the blue dial, with it's 50th anniversary one. They go for 18,000 to 20,000, but they have a wait time of minimum 2 years. Wait time of 2 years. Yes. दो साल पहले ऑर्डर देना पड़ेगा अगर नई वॉच चाहिए। इसीलिए रोलेक्स ऐसी घड़ी है ना, जो प्री ओन्ड वॉच होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास रोलेक्स है, अगर आप उसको रखते हो 4-5-6 महीने बाद या 2 साल बाद भी बेचते हो, तो जितने पैसे आपने पहले दिए उससे आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, राइट? सेम विद लाइक लुई विटन बैग्स, इफ यू टेक अ क्लासिक बैग्स, हाँ, दैट्स लाइक 30,000-40,000, यू बाय फॉर 30, यू कैन सेल इट फॉर 80-90 इजीली आफ्टर 5-6 इयर्स। ओके, चलो भाई गाड़ी आ गई, थैंक यू माय फ्रेंड। यो, सबसे बेस्ट है भाई गाड़ी ट्रैफिक के टाइम पे, बैठ जा आराम से, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है, स्टेयरिंग भी खुद ब खुद मूव हो रहा है, लेन में रख रहा है गाड़ी को। तो मुझे अब बात बता, तूने टेस्ला क्यों नहीं लिया? इतनी महंगी गाड़ी ली है, व्हाई डू? नो लग्जरी। हां, हैज नो लग्जरी। लग्जरी चाहिए थी तुझे, ठीक है भाई। या इट हैज लग्जरी। आपने देखी रहेगी पहले वीडियो जो मैंने इसकी एक डिटेल में, जो गाड़ी है मर्सिडीज एस क्लास, उसकी मैंने बनाई थी। चलो भाई, मॉल से आ गए वापस, बट अभी तक अपनी जो फ़ोन की जो सर्विस है उसको चेंज कराने नहीं गया हूँ। मैं सीधा यहाँ पर सोच रहा हूँ जिम आ जाता हूँ, जिम में वर्कआउट कर लेता हूँ। टाइम हो रहा है अभी 5:15, वर्कआउट करते हैं अच्छा सा, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद शाम को भी ये जो AT&T का जो स्टोर है वो शायद 8 बजे तक खुला रहता है, तो अगर खुला रहेगा तो वहाँ पर चला जाऊँगा, बट उससे पहले वर्कआउट कर लेता हूँ। घर पर तो वाईफाई है ही, आज का दिन वैसे भी निकल जाएगा। कल मैं जिम आया था, वर्कआउट कर रहा था वहाँ पर मैं बैक का, और मैंने 3 लड़कों को देखा, उसमें से 2 छोटे लड़के थे और 1 लड़का बड़ा था। और वो जो बड़ा लड़का था जो वर्कआउट कर रहा था, उसका पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया रहेगा, बट वो छोटे बच्चे उसकी हेल्प कर रहे थे पूरे वेट्स उठाने में और रखने में। और जो बड़ा लड़का था वो मस्त वर्कआउट कर रहा था। दैट्स द स्पिरिट एवरीवन शुड हैव, एंड ऐसे दोस्त या छोटे भाई सबको मिले। बाइसेप्स वर्कआउट का तो वो करता हूँ ख़त्म। Thanks. Thank you. Sorry. तो जिस दिन मेरा जिम करने का या वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, उस दिन मैं सोच के निकलता हूँ घर से कि यार चल रोहन, सिर्फ जिम को जाके छू के आ जा, थोड़ा सा वर्कआउट कर ले। और आज वैसा ही था, मुझे मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं आया। लेकिन कम से कम यूजली मैं बैक और बाइसेप्स कंबाइन करके वर्कआउट करता हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स मारा है। 4 वेरिएशन मारे, बाइसेप्स कर्ल, सिंगल हैंड बाइसेप्स कर्ल, प्रीचर कर्ल, और जो केबल के साथ किया है, बस लाइक 4 वेरिएशन मारे हैं। या आई एम ओके।